नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ज़िंदगी बचाओ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, ये चैनल अभी नया स्टार्ट किया है, तो इसलिए इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी ऐसी आप हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देख पाएँ। दोस्तों, शरीर में आपको जैसे ही पता चलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, टेस्ट से कन्फर्म हो जा रहा है, तो आप भूल कर भी इसको इग्नोर करने की गलतियां ना करें, वरना आपको गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। समय पर इसका इलाज ज़रूर कराएं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक, लकवा लग सकता है, पैनक्रियाज में दिक्कत हो सकती है, मोटापा बढ़ेगा, जो सब बीमारियों की जड़ है। उसके अलावा ये शुगर को भी बुलावा देता है। इसलिए हम आज डिस्कस करेंगे कि कुछ देसी तरीके हैं खान पान के, जिससे इसको कम किया जा सके। तो एक नंबर पे है दोस्तों, वेट, वज़न। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो धीरे धीरे स्लोली इसको वेट को कम कीजिए, कम से कम 10% वज़न ज़रूर करें। और जो आइडियल वेट होता है, हाइट और वेट के इससे एज के हिसाब से, उसके मुताबिक आपका वज़न होना चाहिए। अगला है दोस्तों, एक दिन में 1800 कैलोरी के करीब आपको खाना चाहिए, और लेडीज़ का तो 1200-1300 कैलोरी है, इससे ज़्यादा खाना नहीं खाना है। तो एक रोटी में कितना होता है, 100 कैलोरी, एक टमाटर में कितना होता है, 20-22 कैलोरी, तो इस हिसाब से आपको देख के खाना है। आजकल तो आप गूगल में सबकी कैलोरी चेक कर सकते हो, जैसे गुलाब जामुन, मिठाई, जो चीनी के प्रोडक्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। पानी कितना भी पियो, कोई कैलरी नहीं होता है, तो इसलिए आप कंट्रोल करो कैलरीज़ को। अगला है अल्कोहल। दोस्तों, अगर आप अल्कोहल, शराब का सेवन नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर कर रहे हो तो कोशिश करो 120 ml से ज़्यादा पर डे ना लो। इससे जितनी ज़्यादा होगी नुकसान उतना ज़्यादा होगा। एक तो इसमें क्या है, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारी बॉडी में ये क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है ट्राइग्लिसराइड में। तो जैसे ही आप रात को देखोगे शराब ज़्यादा पी ली, अगले दिन सुबह टेस्ट कराओ ब्लड आपका खाली पेट, तो आपका ट्राइग्लिसराइड है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, तो इसलिए कम पिए। अगला है दोस्तों, आप जब खाना खा रहे हो, दोपहर का लंच हो चाहे डिनर हो, खाने से कुछ देर पहले आप कुछ सलाद खा लें, टमाटर, प्याज, खीरा, और एक गिलास पानी भी पी लें। इससे क्या होगा, आपका आधा पेट भर जाएगा, और जहां आप 4 रोटी खाने वाले थे 2 रोटी खा पाओगे, तो 2 रोटी कम खाई। अब आपने पहले सुना एक रोटी में कितना, 100 कैलोरी, 2 में कितना, 200 कैलोरी, 200 कैलोरी आपने कम खाई, उसके बदले क्या खाया, टमाटर, प्याज और खीरा का सलाद, जिसमें मुश्किल से 50-60 कैलोरी बनता है, तो आपने एक ही खाने में 150 कैलोरी कम कर दिया, तो 2 खाने में 300 कैलोरी हो गया, तो इस प्रकार कैलोरी कम हो जाएंगी। अगला है दोस्तों, डेली कम से कम 30-40 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज और योगा ज़रूर करें। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, फैट कम होगा, कंट्रोल होगा। अगला है दोस्तों, फ्रूट, फल। फल सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, मल्टीविटामिन, विटामिन सब तो होते ही होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर कैलोरी की मात्रा भी बहुत कम होती है, और जिससे ये हमारे पेट को भरा रखते हैं, और इसके अंदर फैट की मात्रा बिल्कुल नामात्र होती है। जैसे एप्पल हो गया आपका, मौसमी, संतरा, तो आप सीजन के हिसाब फ्रूट खाएं। अगला है ग्रीन वेजिटेबल, सब्जियां, लीफी वेजिटेबल, तो इनमें फ्रूट से भी कम कैलोरी पाई जाती हैं, तो ये भी आप ज़रूर खाएं। इसमें जैसे आपका टमाटर, प्याज, खीरा तो था ही, उसके बाद धनिया, पत्ता गोभी, ब्रोकली एक आता है, इसके अलावा आप सोयाबीन को भी सब्जी के तौर पे यूज कर सकते हो। अगला है दोस्तों, सुबह सुबह गर्म पानी एक गिलास
ज़रूर पिए। और होश के तो इसमें एक आधा अपने टेस्ट के अनुसार नींबू डाल लें, जो बहुत ही अच्छा रहेगा। जो आपका 24 घंटे में जितना आपने गंदगी खाया है लीवर में, तो वो सबको डिटॉक्स कर देगा। क्लींजर है, सबसे अच्छा क्लींजर है ये, तो इसलिए सुबह सुबह ये ज़रूर लें। अगला है दोस्तों, जैसे कि आप देखते ही हो नॉन वेज का डेली डेली यूज बढ़ता जा रहा है, हर घर में नॉन वेज शुरू होते जा रहा है, तो कोई डेली खा रहा है, कोई वीक में 2 बार, कोई 4 बार, तो ये क्या है, फैट का घर है, सैचुरेटेड फैट खास करके जो नुकसान करती है, तो इससे बचें। अगर खाना ही है तो आप क्या करो, फैटी फिश होती है वो खाओ हफ्ते में 1-2 बार। उसमें क्या है, ओमेगा फैटी एसिड होता है जो कि हार्ट के लिए ठीक रहता है। और इस ओमेगा फैटी एसिड की क्या है, कुछ सप्लीमेंट भी आती हैं, तो डॉक्टर से एडवाइस लेके वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये ट्राइग्लिसराइड को बहुत जल्दी कम करता है। अगला है दोस्तों अंडा। अगर अंडा खा रहे हो आप, तो इसमें क्या है, बाहर वाला जो सफ़ेद हिस्सा है सिर्फ वही खाना है, क्योंकि जो बीच का आपका हिस्सा है येलो वाला, उसके अंदर फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको अवॉइड करना है। अगला क्या है, सुबह सुबह आप उठकर लहसुन के 3-4 पीस ज़रूर खाएं, इससे बहुत फैट कम होता है, तो इसको आप चबा कर खा सकते हैं। और क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ही अजीब होती है, कुछ लोग चबा के नहीं खा पाएंगे, तो वो लोग आप क्या करोगे, पानी के साथ भी इसको साबुत को भी गटक सकते हो, लेकिन चबा के खाना अच्छा रहेगा। अगला है ग्रीन टी। ग्रीन टी आपको दिन में 2-3 बार, जिस टाइम पे आप दूध वाली चाय पी रहे हो, तो हो सके तो उसको अवॉइड करके आप ग्रीन टी लिए, ग्रीन टी लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। अगला है मेथी दाना। आपने मेथी दाना तो देखा ही होगा, इसको क्या करना है, रात को पानी में भिगो के छोड़ दो, सुबह इसको आप खा सकते हो। तो ये एक तो क्या है, बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, दूसरा क्या है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल फैट को तो कम करता ही करता है, साथ में बहुत बीमारियां जैसे शुगर हो गया, एक आपने सुना होगा बाव वगैरह आ जाता है शरीर में, उन सब में भी बहुत ही अच्छा रहता है। अगला है हाई फाइबर के फूड, जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हो, जैसे इसबगोल होता है ना वैसे, तो हाई फाइबर रहेंगे तो क्या होगा, उसके पेट बिल्कुल साफ़ रहेगा, कब्ज़ की शिकायत बिल्कुल नहीं रहेगी, और पेट साफ़ हो गया तो बहुत सी बीमारियां अपने आप चली जाएंगी, क्योंकि फाइबर ज़्यादा होने से हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, तो इसलिए आप हाई फाइबर डाइट जैसे पपीता वगैरह खाएं तो पेट अच्छा साफ होगा। अगला है जंक फूड, तले हुए फूड। तो तले हुए फूड का तो आजकल देख ही रहे हो, किसी दुकान पे जाओगे उसी पे भीड़ लगी मिलेगी आपको, चाहे वो ये चाउमीन वाली हो, चाहे गोलगप्पे वाली हो, चाहे बर्गर वाली हो, बहुत भीड़ रहेगी। लेकिन आप देखना उसमें किस क्वालिटी का तेल यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादातर क्या होता है, उस तेल के अंदर सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो इसलिए उसको आप अवॉइड करो। और जो खाने में भी हम तेल यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ करो जिसमें अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे सनफ्लावर, ओलिव ऑयल, तो ये यूज़ करना है। और अगर ये यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि दिन भर आप कुछ ना कुछ बना के खाते ही रहें, इसको भी एक लिमिटेड मात्रा में यूज़ करना है। अगला है नट्स। नट्स क्या है, शरीर के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, तो आप ये क्या कर सकते हो, पर डे 20-30 ग्राम ले सकते हो। अगला है दाल और बीन्स। दाल और बीन्स में भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है, इसलिए आप
वो जरूर ले सब्जी के तौर पे। अगला है जौ और सत्तू, ये क्या है, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट कैलोरी की मात्रा आटे की बजाय बहुत कम होती है। उससे अगला है आंवला, आंवला क्या है, एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जूस के रूप में भी, साबुत भी, अचार खा रहा है, हर तरीके से खा रहे हैं इसको। इसके अंदर एक तो विटामिन सी तो होता ही होता है, इसके साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में। और इसका एक फ़ायदा क्या है, जो हमारी खून वाली नसें होती हैं आर्टरी, वो एज बढ़ने के साथ साथ हार्ड होती जाती हैं, लेकिन आंवला क्या करता है, उनको हार्ड नहीं होने देता है, इसको बोलते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस, तो वो नहीं होने देगा। अगला है जो डेयरी प्रोडक्ट्स, जो दूध दही घी, ये फुल फैट वाले आप नहीं खाना, और दूध को भी कम मात्रा में, और हो सके तो उसकी जो मलाई आती है वो आप निकाल के खाएं। तो अगला क्या है, फास्टिंग, जो व्रत रखते हैं, बीच बीच में फास्टिंग, अगर हफ्ते में एक फास्ट भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो एक दिन क्या होगा, जितना आपने हफ्ते भर में जो फैट ट्राइग्लिसराइड इकट्ठा किया था, उस दिन आपका वो इस्तेमाल हो जाएगा शरीर में, तो इससे जो जमा हुआ है हफ्ते भर का, वो आपका साफ हो जाएगा, इसलिए आपका फास्टिंग ज़रूरी है। तो ये दोस्तों सारे उपाय हैं, और जिसका मान लो इन सब से भी कम नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको दवाई ज़रूर लेनी चाहिए, जो अंग्रेज़ी दवाई बोल देते हैं हम, क्योंकि बिना दवाई के क्या होगा, कम तो इनसे भी हो जाएगा लेकिन रिस्क ही बहुत होता है। आप इनके वेट करते रहें बहुत ज़्यादा है, तो कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए डॉक्टर से वो दवाई ले ले कुछ दिन के लिए। वो किसी भी प्रकार की नई डाइट शुरू करते हैं तो उसके अपने अपने रिस्क फैक्टर होते हैं, तो इसलिए एडवाइस लेना ज़रूरी है। धन्यवाद।